हेलो एवरीवन, आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए अब हमारा क्या टॉपिक हुआ था, हमने सीड का डिस्पर्जल कंप्लीट कर लिया था। अब सीड डिस्पर्जल के बाद में जो हमारे पास टॉपिक बचा है, सेकेंड टॉपिक इसके अंदर आपके सीड का डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी आपको बुक में इस तरह से टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा सिलेबस के अंदर, जो कि है, मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर ही, सीड ऐसे करके टॉपिक मिल रहा है आपको सेकेंड यूनिट के अंदर, सीड द सिग्निफिकेंस, यानी कि हमें सीड के सिग्निफिकेंस पढ़ने हैं कि सीड के क्या फ़ायदे हैं, वो सीड क्यों बनता है एक प्लांट के अंदर। इसके बाद में सस्पेंडेड एनिमेशन, ये जो सस्पेंडेड एनिमेशन है यही मैं डॉर्मेंसी के नाम से आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो यही है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पर इकोलॉजिकल अडप्टेशन, सीड में कौन कौन सी इकोलॉजिकल अडप्टेशंस होते हैं ये पढ़ेंगे इसके बाद हम, अडप्टेशंस एंड सीड डिस्पर्जल। तो हमने इसमें ये टॉपिक कर लिया कंप्लीट। अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा ये वाला टॉपिक जिसे मैं आपको डॉर्मेंसी के नाम से पढ़ाऊंगी। चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्टली सीड सस्पेंशन या डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी से आप क्या समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, या सस्पेंशन से आप क्या समझते हैं? तो अगर मैं हिंदी में कहूं सीड सस्पेंशन, हिंदी में कहते हैं निलंबन, या फिर मैं कहूं तो डॉर्मेंसी भी इसे कह सकते हैं, यानी कि आप इसे डॉर्मेंसी ही कह सकते हैं। डॉर्मेंसी का मीनिंग होता है प्रसुप्तावस्था। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज डॉर्मेंसी एंड व्हाट इज सस्पेंशन, निलंबन। आप लोगों ने प्रसुप्तावस्था तो बहुत ज्यादा सुना होगा। डॉर्मेंसी का अगर आप मीनिंग देखें तो डॉर्मेंसी का मीनिंग होता है, सस्पेंशन का मीनिंग होता है कि जब कोई भी सीड ले लीजिए, या जो स्पोर्ट्स बनते हैं एल्गी के अंदर स्पोर्ट्स बनते हैं वो, या फिर जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर सीड्स बन रहे हैं, इनके अंकुरित होने में, इनके जर्मिनेशन में अगर टाइम लगता है तो उसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं, यानी कि वो प्रसुप्तावस्था में चला गया। तो अगर सिंपल सा कहें तो इस पॉइंट को मैंने आपको जब सीड डिस्पर्जल समझाया था तब समझाया था कि क्या होता है डिस्पर्जल, इसका मीनिंग। तो आप ऐसे कह लीजिए कि जब सीड बन गया, मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद वो अपने मदर प्लांट से डिटैच हो गया, अलग हो गया, और डिटैच होने के बाद डिस्पर्स्ड हुआ, फैल गया, प्रकीर्णन हो गया उसका, उसके भी बाद अब ये किसके कांटेक्ट में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में। तो जो सीड का सॉइल के कांटेक्ट में आना और उसके बाद सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद ये जितना भी टाइम लेगा अपने जर्मिनेशन में वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डॉर्मेंसी। दैट मीन कि जैसे ही सीड मैच्योर हो जाता है वहां से लेकर
ये जो स्टेज है जर्मिनेशन वाली, यहाँ तक का जो टाइम है ये कहलाता है डॉर्मेंसी पीरियड। इसे कहते हैं, ये जो इतना टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, इसे कहते हैं डॉर्मेंसी पीरियड, प्रसुप्ता वस्था काल। ये ल है। ओके, अब ये जो डॉर्मेंसी पीरियड है, ये डॉर्मेंसी पीरियड आपको अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग मिलता है। जैसा कि एक सिंपल सा देखो, ये समझ में आया है आपको कि डॉर्मेंसी पीरियड क्या होता है? कि जैसे ही सीड बना वहाँ से लेके वो जर्मिनेट नहीं होता तब तक जो उसके बीच में टाइम है उसे हम डॉर्मेंसी पीरियड कहते हैं। हम देखेंगे कि एक्चुअली डॉर्मेंसी पीरियड क्यों आया, ये सीड जर्मिनेट होने में टाइम क्यों लगा रहा है, उसको देखेंगे। तो इससे पहले एक पॉइंट और सुनो, दैट इज कि देखो एक टर्म आती है जिसे कहते हैं वाईवी पेरी, वाईवी पेरी या फिर जीवंतता, जीवंतता। देखो आपने मैंग्रोव्स को देखा होगा, मैंग्रोव जो मडी इलाका होता है, दलदल वाला, दलदल वाली जगह पे, इस दलदल वाली जगह में क्या होता है, मैंग्रोव्स ग्रो होते हैं, मैंग्रोव्स। ठीक है, ये पेड़ हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो इस तरह से आपको बाहर निकली हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा एरिया होता है, दलदल वाला जो एरिया होता है, जो मडी एरिया है आपको नदियों के आसपास, नदियों के जो किनारे होते हैं या जो समुद्रों के किनारे होते हैं वहाँ पे इस तरह का मडी, या फिर जो डेल्टा वाला पोर्शन है वहाँ पे आपको इस तरह का मड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो जो दलदल वाला, जो मडी वाला इलाका है, ये जो जगह होती है, यहाँ पे क्या होता है, इतना ज़्यादा पानी होता है कि वाटर इतना ज़्यादा होता है सॉइल में, इस वजह से जो सॉइल है वो बिल्कुल वाटर लोज रहती है, पानी से ऐसे लबालब रहती है, भरी हुई रहती है। ठीक है, उसके साथ साथ वाटर लोज यानी कि एकदम फुलफिल, भरी हुई लिख देती हूँ मैं यहाँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, किससे, पानी से। और यहाँ की जो सॉइल है, मोस्ट ऑफ आपको जो सॉइल मिलती है वो यहाँ पर क्ले टाइप की मिलती है, चिकनी मिट्टी टाइप की एकदम। तो उनके बीच में जो एयर पोर्शन है, एयर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो भी कम होता है। पॉइंट समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि देखो आप एक बात सोच के देखो, आपने नदियों के इधर उधर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले टाइप की सॉइल होती है, और वहाँ की चिकनी मिट्टी के अंदर आपका जब पाँव रखते हो आप, तो वो एकदम स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि जो देखो दो तरह की सॉइल होती है, एक आप रेत को देखो, सैंड, सैंड में आप पानी डालना, आपका पूरा पानी एक मिनट के अंदर आ जाएगा बीकर में। जैसे आपने एक इसमें सैंड ली यहां पर, और इसमें जैसे ही आप पानी डालेंगे ये पूरा पानी आपको यहां मिल जाएगा एक मिनट में। दूसरा आप क्ले को लेना और क्ले के अंदर ये काम करना, तो आपको जो पानी है उसका कुछ अमाउंट ही मिलेगा यहाँ पर, और वो भी बहुत टाइम में मिलेगा, कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे उसको आने में, क्योंकि जो क्ले के बीच में पार्टिकल्स होते हैं, इस क्ले के जो सॉइल के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, वो बहुत पास पास होते हैं, तो पानी को निकलने के लिए जगह नहीं मिलती है, एयर स्पेस नहीं होता है, एयर स्पेस नहीं होता है या कम होता है बहुत। ठीक है, लेकिन सैंड के में क्या होता है, एयर स्पेस काफी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट है कि जो मडी एरिया होता है वहां पे दलदल जैसा होता है,
इस वजह से वहाँ पे जो वाटर है उस वाटर क्या करता है, वो वाटर सॉइल को बिल्कुल एकदम फिल कर देता है, क्योंकि वहाँ पर क्ले के बीच में एयर पार्टिकल, एयर स्पेस नहीं है, यानी कि क्ले के जो कण हैं वो एकदम ऐसे आपस में बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, तो इस वजह से वो पानी ज़्यादा नीचे तक ड्रेन आउट नहीं हो पाता, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी मिलती है। ठीक है, तो इस पूरे का मीनिंग क्या हुआ कि जो दलदल वाला इलाका होता है यहाँ पर बिल्कुल पानी से लबालब होता है, वाटर लोस्ड कंडीशन रहती है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए इनके अंदर मैंग्रोव्स जो हैं, ये इन मैंग्रोव्स के अंदर आपको रेस्पिरेटरी रूट्स मिलती हैं जो कि जमीन से बाहर आ जाती हैं। पढ़ा होगा आपने रेस्पिरेटरी रूट्स प्रेजेंट होती हैं राइजोफोरा के अंदर, जिनके ऊपर न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, श्वसन छिद्र, न्यूमेटोफोर्स। क्यों? क्योंकि वहां पर जमीन में ऑक्सीजन कम है और पानी एकदम फुलफिल है, इसलिए इसके जो सीड्स होते हैं, इन मैंग्रोव्स के जो सीड्स होते हैं, ये सीड्स भी क्या करते हैं, ये सीड्स भी जो इनका मदर प्लांट होता है, जैसे कि ये प्लांट है, इस प्लांट पे यहाँ पे एक सेकंड मैं इसे आपको यहाँ समझा देती हूँ। चलिए कि देख, ये एक मैंग्रोव का प्लांट है और यहाँ पे बिल्कुल दलदल वाली कंडीशन है, बिल्कुल जगह नहीं है, इस तरह से हॉचपॉच, मिट्टी इतनी ज़्यादा आप पास पास है कि इनके बीच में एयर पार्टिकल ही नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पर सीड बने, बनकर मैच्योर हुए, ये क्या हैं, ये सीड्स हैं, जैसे ही सीड्स मैच्योर हुए, ये सीड्स अपनी मदर प्लांट पर ही, मदर प्लांट यानी कि जो ये जो प्लांट है ना जिसपे सीड लगे, वहीं तो मदर प्लांट कहलाएगा, पेरेंटल प्लांट, इस पेरेंटल प्लांट पे ही ग्रो हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि नीचे तो ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर तो ये नहीं हो सकते ना, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए सीड को भी जर्मिनेट होने के लिए, तो ये यहीं पर जर्मिनेट हो जाते हैं और उसके बाद एक छोटा सा सिडलिंग बन जाता है। तब ये क्या करते हैं, सिडलिंग बनने के बाद यहाँ से डिटैच होते हैं और डिटैच होने के बाद फिर ये ग्रो करते हैं, तो इस तरह की कंडीशन आपको मिलती है। हाँ सर, ठीक है, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो इस कंडीशन को कि जब सीड मैच्योर होने के बाद अपने मदर प्लांट पे जर्मिनेट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं वाइविपेरी। क्या होती है वाइविपेरी, है जीवंतता, कि जब सीड्स मैच्योर हो जाता है तो वो अपने मदर प्लांट पे ही जर्मिनेट हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ लो कि जब सीड मैच्योर हो जाए सीड मैच्योर होने के बाद अपने मदर प्लांट पर ही, या जो पेरेंटल प्लांट है उस पर ही जर्मिनेट हो जाए, तो उस कंडीशन को वाइविपेरिया जीवंतता कहते हैं। ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों समझाया, ये पॉइंट मैंने यहाँ इसलिए समझाया कि जो मैंग्रोव प्लांट हैं उनके अंदर वाइविपेरी मिलती है, जीवंतता मिलती है, दैट मीन उनके अंदर डॉर्मेंसी नहीं मिलती, यहाँ पर जीवंतता मिल रही है, तो इनके अंदर आपको वाइविपेरी मिलेगी और डॉर्मेंसी नहीं मिलेगी।
ठीक है, आपको यहाँ पे प्रसुप्त अवस्था नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव कंटेन करते हैं। डॉर्मेंसी क्यों, डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि जब सीड मैच्योर होने के बाद जर्मिनेशन में टाइम ले, लेकिन यहाँ तो सीधे ही मैच्योर होता है और वो अपने मदर प्लांट पे ग्रो हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं मिलती है। अब ये कंडीशन आपको समझ में आई होगी, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन आता है वाईवी पेरी के ऊपर। और ये किसके अंदर मिलती है? मैंग्रोव के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर लोग कंडीशन होती है, ऑक्सीजन कम होता है। चलिए अब डॉर्मेंसी के बारे में आपको समझाते हैं। डॉर्मेंसी के अंदर क्या होता है? एक सीड की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, कार्य की उसकी, कार्य की ये बिल्कुल चेस्ड रहती है या फिर बंद रहती है। इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ये चेस्ड रहती है, ये बंद रहती है। रेस्पिरेशन, सीड रेस्पायर कर रहा है लेकिन उसके अंदर जो उसकी कह सकते हो जितनी भी एक लिविंग होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो वहाँ पर ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट सी रहती है। इसलिए सीड की जो ये दो पॉइंट याद रखना, मेटाबॉलिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी वहाँ पर चेस्ड रहती है, बंद रहती है। तो इस कंडीशन को हम डॉर्मेंसी कहते हैं कि जब सीड अपनी जितनी भी एनिमेशन स्टेप्स हैं, एनिमेशन स्टेजेस, सजीवन क्रियाएं, इन्हें न करें। कौन कौन सी? मेटाबॉलिकल एंड फिजियोलॉजिकल। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डॉर्मेंसी आपको मैंग्रोव के अंदर नहीं मिलती है। तो ये जो डॉर्मेंसी है ये आपको दो तरह की मिलती है। कैसी कैसी मिलती है डॉर्मेंसी? दो टाइप की मिलती है। एक होता है जब सीड बन गया और सीड जर्मिनेट नहीं हो पाया, नॉट जर्मिनेट, तो इसे कहते हैं प्राइमरी डॉर्मेंसी। और जब सीड बन गया सीड मैच्योर हुआ जर्मिनेट हुआ और सिडलिंग एक छोटा सा प्लांट बनाया, सिडलिंग या प्लांट लेट एक छोटा सा नन्ना सा प्लांट बन चुका है, ऐसे मानो एक नन्ही सी बड ग्रोथ हो गई है। और उसके बाद इसकी जो एक्टिविटी है, जो इसकी एनिमेशन है, सजीवन क्रियाएं, वो रुक जाएं, स्टॉप हो जाएं। तो इस तरह की कंडीशन, जो इस तरह की डॉर्मेंसी होती है, इसे कहते हैं सेकेंडरी डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी दो तरह की हो गई, एक होती है प्राइमरी डॉर्मेंसी और एक होती है सेकेंडरी डॉर्मेंसी, यानी कि प्राथमिक प्रसुप्तावस्था एंड द्वितीयक प्रसुप्तावस्था। प्राथमिक प्रसुप्तावस्था में क्या है? सीड ही जर्मिनेट नहीं होता, लेकिन द्वितीयक प्रसुप्तावस्था में सीड तो जर्मिनेट हो जाता है, छोटा सा प्लांट भी बना देगा, लेकिन वो प्लांट किसी कारण से एनवायरमेंट में चेंज आने की वजह से, उसके अंदर किसी भी सब्सटेंस की कमी की वजह से वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, तो उसे सेकेंडरी डॉर्मेंसी कहते हैं। अब इन टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हर एक प्लांट के अंदर कितने कितने तरह की डॉर्मेंसी मिलती है और उन्हें कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो फर्स्टली हम
जब कल क्लास करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि फर्स्ट जो सीड की डोरमेंसी है यानी प्राइमरी डोरमेंसी, ये किस किस रीजन से मिलती है और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है। फिर सेकेंडरी डोरमेंसी देखेंगे और इन्हें कैसे कम किया जा सकता है और इनके कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।